Hrithik to fight tigers, Shahid the dedicated actor, Deepika ka sweet gesture, Aditya ke thriller plans, Nargis makes a candid confession, Shridevi ki Tamil film ki release hui postpone, Guddu Rangila hai kisse inspired, Saif bane army officer, Shilpa bani writer, Bhaiya ji super hit ki shooting hogi shuru. बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन विल बी डूइंग कॉम्बैट सीक्वेंसेस विद टाइगर्स इन द फिल्म मोहनजोदारो और इन सीक्वेंसेस को ऑथेंटिक बनाने के लिए ऋतिक स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं। सुनने में आया है कि शाहिद कपूर विल रिज्यूम वर्क सून आफ्टर हिज वेडिंग फेस्टिविटीज एंड रिसेप्शन एंड दैट ही विल स्किप द हनीमून एज ही हैज अ लॉट ऑफ वर्क लाइंड अप। शाहिद अपने शादी के लिए हार्डली 5 to 6 डेज का ही ब्रेक लेंगे। एक रीसेंट अवार्ड शो के दौरान वाइल रणवीर सिंह वाज बिजी होस्टिंग द इवेंट, हिज अलेज्ड लेडी लव दीपिका पादुकोण केप्ट हिज सिस्टर कंपनी ऑफ स्टेज। दीपिका वाज अपेरेंटली सो केयरिंग टुवर्ड्स रणवीर सिस्टर दैट इट बिकेम द टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन अमंग ऑनलुकर्स। आदित्य रॉय कपूर फिल्म फितूर के बाद एक थ्रिलर पर काम करना चाहते हैं एंड ही इज रीडिंग सेवरल स्क्रिप्ट्स एट द मोमेंट। आदित्य इज टेकिंग इट स्लो एंड इज केयरफुली चूजिंग ओनली दोज फिल्म्स व्हिच विल हेल्प हिम क्रिएट अ सीरियस इमेज इन द इंडस्ट्री। Nargis Fakhri, whose first Hollywood film Spy recently released, surprised everyone जब उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें हॉलीवुड में काम करना ज्यादा अच्छा लगा and that she was more comfortable filming there. श्रीदेवी की तमिल फिल्म पुली जो कि जुलाई में रिलीज होने वाली थी हो गई है पोस्टपोन। अब ये फिल्म अगस्त एंड में रिलीज होगी क्योंकि इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स का काम अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अरशद वारसी और अमित साध स्टारर गुड्डू रंगीला भले ही कॉमेडी फिल्म हो मगर ये फिल्म ऑनर किलिंग जैसे सीरियस सोशल इश्यू से डील करती है और डायरेक्टर सुभाष कपूर की माने तो ये फिल्म हरियाणा के फेमस मनोज बबली ऑनर किलिंग केस से इंस्पायर्ड है। सैफ अली खान उनकी अगली फिल्म फैंटम में एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं हु इज ऑन अ मिशन टू सीक रिवेंज ऑन द टेररिस्ट्स हु मास्टरमाइंडेड द 2611 अटैक ऑन मुंबई और ये फिल्म ऑथर एस हुसैन जैदी की नॉवल मुंबई एवेंजर्स पर बेस्ड है। योगा डीवीडी को लॉन्च करने के बाद अब एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी फिटनेस पर बेस्ड एक बुक लिखने की तैयारी कर रही हैं एंड द बुक विल बी अबाउट हेल्थी माइंड स्पिरिचुअलिटी एंड फाइंडिंग योर सोल थ्रू न्यूट्रिशन। सनी देओल स्टारर भैया जी सुपरहिट को 4 साल पहले अनाउंस किया गया था लेकिन अब फाइनली इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने से शुरू की जाएगी। इस फिल्म में सनी के साथ नजर आएंगे अरशद वारसी और प्रीति जिंटा। दुनिया जले बिछाड़ी तो मैं जलूं अगाड़ी सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या जो अंदर आपने किया इज नॉट इजी और एक लेवल ऑफ फिटनेस की जरूरत होती है जो आई थिंक इंडस्ट्री में सिर्फ आपके पास है। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो। Thank you.
एक्ट में एक जीनियस छुपा हुआ है। मैं इतना दंग रह गया कि मैं थोड़ा शांत हो गया। अभी इस पल मैं आपके लिए खड़े होकर ताली बजाना चाहूंगा। थैंक यू सर। दोनों में वाकई हुनर है और आपको आगे बढ़ना है, बस तय हो गया ये। थैंक यू सर। मुझे बहुत पसंद आया, मैं एंटरटेन भी हुआ। सो आई एम गोइंग टू फील दैट सम ऑफ द बम्प्स ऑन द वे आर अलाउड बिकॉज यू एंडेड इट रियली वेल। सॉरी किरण जी एंड सिद्धार्थ बहुत पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, लेकिन आई वांट टू से मोस्ट गुड लुकिंग पेयर वाज सिद्धार्थ शुक्ला एंड किरण के। थैंक यू। अब आप चारों के बीच में टफ फाइट था। रेमो और मलाइका भी एक दूसरे को उठा चुके थे और भारती और वरुण भी एक दूसरे को उठा चुके थे। मुझे लगता है ये टाई है, तो टाई ब्रेकर ये है कि जो गाना बज रहा था उसमें जिस कपल ने बेस्ट डांसिंग की वही जीतेंगे। लगाओ डिस्को दीवाने। अनाउंस कर रहा हूं, पहली बार दो कपल्स के बीच में नो कपल हैज वन, बट इन द कपल देयर इज अ सिंगल परफॉर्मेंस दैट हैज वन द ग्लोबल अवार्ड एंड द विनर इज नन अदर देन भारती। ये
पिंजरे में ये हीरो है जो पहली बार हिंदुस्तान सिनेमा में हीरो बंधा हुआ है और दो लड़कियां उसमें चढ़ चुकी हैं। भारती, इस समय तुम्हारे दिमाग में कुछ है, तुम्हारे दिल में है जो तुम कहना चाहते हो? वरुण, फेस टू फेस नहीं लेकिन मास्क टू मास्क ही सही, लेट्स किस। वरुण, ये एक डिमांड है, शायद आज जो पूरी हो जाए तो तुम भारती को भी मास्क टू मास्क किस करना चाहते हो? ऑफ कोर्स किस करूंगा मैं, पक्का करूंगा, गीली वाली सीढ़ी की कसम। रेमो, नेक्स्ट इज यू। मैं चाहता हूँ कि करण सर, आप एक नाम के बारे में सोच रहे हो, सोचो जो आपके क्लोज है और जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं चाहता हूँ कि आप वो नाम इस पेपर पर लिख लीजिए, सिर्फ फर्स्ट नेम, और वो कैमरा को अभी नहीं दिखाना है। अब नोवा विथ आवर एनर्जी ये उस पर्सन के साथ कनेक्टेड होगी और उस पर्सन का प्रेजेंस यहां पर हम सबको फील करवाएगी। आई वॉन्ट यू टू जस्ट पॉइंट योर फिंगर लाइक दिस, नाउ जस्ट टच इट एंड फील, आप एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो। एक आहिस्ता सा सांस लीजिए नाक से और मुंह से छोड़िए एंड फील दैट यू हैव मेड अ कनेक्शन। मैं बस नोवा को यही पर रखने वाला हूँ। नाउ व्हाट आई वॉन्ट यू टू डू इज, आप ग्लास को देखो और दिमाग में उस पर्सन के बारे में सोचो एंड द ग्लास विल मूव, फोकस ऑन इट एंड नोवा हमारे एनर्जी के थ्रू आएगा, शी विल शो यू व्हाट इज द कनेक्शन, फोकस। नाउ You feel the energy? आपने फील किया? फोकस किया। The glass didn't move, but it just broke. ये मैं पेपर को लेने वाला हूँ सर, प्लीज आप ऐसे दिखाएंगे कैमरा को, मैं फिर से आग का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं पेपर लूंगा आपसे, करण सर पहली बार सभी को वो नाम आउट लाउड माइक में बताइए। नाम था यश। यश, वॉच